नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने यूट्यूब चैनल दिग्विजय पटेल 9635 में आप सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को गुड़ बनाने की प्रक्रिया, जिसको आप भेली गुड़, राव और सिरका भी भैया के पास से मिलता है, तो भैया से पूरा परिचय करवाएंगे और इनका कैसे क्या चलाते हैं इनके बारे में आपको बताएंगे पूरा विस्तार से। तो आज देर ना करते हुए भैया के पास चलते हैं। भैया, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार भैया। भैया, आप अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम सुदीप पटेल, ग्राम दहीरपुर, जिला अम्बेडकर नगर, अकबरपुर। जी, तो ये बताइए, आप ये स्टार्ट आप कब से किए हैं, कितने दिन हो गए? लगभग 7-8 साल हो गए स्टार्ट किए हुए। 7-8 साल हो गया। तो इसके पहले मतलब आप ही किए थे कि आपके पिताजी किए? नहीं नहीं हम ही किए थे। तो इसके पहले 8 साल पहले क्या आप और भी कुछ करते थे, पढ़ाई लिखाई कैसे क्या? इससे पहले पढ़ाई करते थे। तो पढ़ाई करने के बाद क्या मतलब एकाएक इस पे आप आ गए कि और भी कुछ काम? नहीं नहीं इस एकाएक इस पे और मतलब डायरेक्ट यहीं से मतलब क्या पहले आपने सीखा था या आपने सीखा नहीं था, डायरेक्ट इसका काम किया गया था। कहने का मतलब यहाँ पे आपके यहाँ लगभग देख रहा हूँ काफी जगह है, तो कहने का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपके यहाँ भेली और गुड़ का मतलब मार्केटिंग है यहाँ पे ना? हाँ, यहाँ पे तो यही देखते हुए आप करते हैं। तो क्या अपना गन्ना आप स्वयं बोते हैं या किसानों का? नहीं, गन्ना स्वयं का भी रहता है, किसानों से खरीदा भी जाता है। मतलब स्वयं का भी आप करते हैं? हाँ। और अपना मतलब किसान से भी आप ले लेते हैं? ले लेते हैं गन्ना। तो ठीक है, तो इसका आप प्रक्रिया बना दीजिए। गन्ना आप लगभग ये गन्ना आया है किसानों द्वारा खरीद के आया गया है, यहाँ पे उतरवाया गया, उसके बाद दिखाओ भैया गन्ना, देखो पूरा ढेर लगा है भैया का, कोल्हू में जाएगा ये। तो इसका आप थोड़ा हाँ प्रक्रिया हमको विस्तार से बना दे, जैसे आप ये कटिंग करवा के यहाँ पे रख देते हैं। हाँ। तो इसको साफ करना पड़ता है कि ये फिल्टर हो जाता है? साफ साफ होके जाता है, कोल्हू के तरफ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये अपना यहाँ पे मतलब रस निकालेंगे यहाँ? यहाँ से रस निकाला जाएगा कोल्हू की तरफ। मित्र, यहाँ पे गन्ना आने के बाद देखिए भैया रस निकाल रहे हैं बढ़िया से, पिराई जिसको कह रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? कोल्हू बोलते हैं। 18 इसका साइज जो है 18x18 है, मुजफ्फरनगर का बना हुआ कोल्हू है। कोल्हू में गन्ना लगाया जाएगा, रस निकलेगा इसे पाइप के द्वारा भट्टी तक जाएगा रस। तो कहने का मतलब यहाँ पे केवल आपको गन्ना लगाना है, उसके बाद आपका रस डायरेक्ट आपका कोल्हू भट्टी की तरफ जाएगा, डायरेक्ट आपका कराहा, क्या बोलते हैं कराहा, कढ़ाई कढ़ाई, तो बड़ा वाला जो कराहा होता है यहाँ से आपका डायरेक्ट जाएगा। भैया वहाँ पास से दिखाओ थोड़ा, नाली वगैरह जो बना है देखिए। नहीं उसमें जैसे आगे जाके फिर फिल्टर उल्टर है कुछ? हाँ, आगे जाके फिल्टर हो जाता है उसमें। इसमें जैसे आपका पत्ती वगैरह तो जाता नहीं होगा? नहीं, पत्ती नहीं जाएगा, ये सब पत्ती बगल कर दे रहे हैं, फिल्टर हो जाएगा आगे। लाजवाब है। तो ये बताइए, ये आपका जो कोल्हू आपका है, तो ये कोल्हू पहले ये बताइए कि ये कितने का लगभग खर्च पड़ता है इसका? लगभग 2.5 लाख के आसपास कोल्हू पड़ जाता है, 1 लाख के पास इंजन उंजन है, उसके बाद साफ टीन मकान का मतलब गोदाम बनाना, लगभग 5-6 लाख का, 5-6 लाख रुपए का लगभग मतलब स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट करने में समय लगा था, अब तो और महंगाई खर्चा पड़ेगा, अब तो महंगाई हो गई मतलब। तो मानिए 7-8 लाख रुपए का इस टाइम प्रेजेंट टाइम में आपका लगभग सिस्टम लगेगा पूरा। जी जी, सिस्टम लगेगा। तो ये लगभग आपका ये कराहा लगभग कितने लीटर का होता होगा इसमें? मतलब ये आपका जो रस जा रहा है पकाने के लिए फर्स्ट में जो लीटर के हिसाब से नहीं चलता वहाँ पे, मतलब अपना एवरेज जो बना के रखते हैं कि इतना रस लेना है, तो मतलब गुड़ जो है किलो के हिसाब में चलता है कितना किलो तो, वो अलग बात है, वो तो आप फिर बात करेंगे। जैसे आपका ये अभी पेराई का समय चल रहा है, तो एक कराहा आपका कितने मिनट में ये लगभग हो जाता है? आधा घंटा लगभग? हाँ, आधा घंटे के आसपास एक कढ़ाई भर जाती है। आधे घंटे में एक कढ़ाई भर जाती है? आधे घंटे में। इसके बाद आपका प्रक्रिया आगे आगे है? हाँ आगे। चलिए आइए भाइयों, दिखाते हैं भैया का आगे कैसे क्या करते हैं। तो ये जो आपका इसमें वेस्टेज निकलता है, इसका फायदा है कुछ? हाँ, सुखवा के यही झोंका जाता है, यहाँ से पकाने का काम आपका हो जाता है, ईंधन का काम करता है। तो उसके लिए ईंधन मतलब आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं नहीं, ये यहाँ से रस होते हुए ये कड़ाही में चला जाएगा। ये आपका ये चिमनी है? हाँ, ये चिमनी। ये भैया आपका जैसे इसमें से भट्टी वगैरह चलता है तो यहाँ पे झुकाई वहाँ से हो रही है? झुकाई वहाँ से हो रही है। वहाँ से जाओ दिखाओ, नीचे 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 उतर गया मट्ठा, झुकाई दिखाओ पहले, झुकाई झुकाई है भैया वहाँ, झुकाई वहाँ से देखो, ये आपका झुकाई का मतलब ये जो कैसे क्या है भैया बताइए। जो गन्ने का खोई निकलता है पेपराई के बाद, वेस्टेज जो निकलता है वो जाता है खेत में सुखवाने के लिए। जी जी, जी। खेत में सुखवाने मतलब के हाँ सुखवाएगा, ट्रैक्टर के माध्यम से उधर से जाएगा, उधर से ट्रैक्टर से आएगा भट्टी की तरफ, यहाँ से सूख जाएगा। टोटल आप लगभग मशीनरी है बस, वहाँ पे थोड़ा सा सहारा देने की जरूरत है, अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा, वो जलेगा उसी से सहारे मतलब। आगे ही लगा रहे हैं भैया, वहाँ दिखाओ भैया, तो आगे ही लगा रहे हैं तो क्या वहाँ तक इसका? हाँ, पूरा वहाँ तक वो जाएगा, उसके नीचे से वो मतलब हवा जाता है, हवा से लगी है वो ऑटोमेटिक हवा लेता रहता है, जब गर्मी पैदा होती तो हवा लेता है उधर, आगे धुएं निकलता है। लाजवाब, देखो क्या लाजवाब तरीका है भैया, देखो केवल आराम से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं,
और इतनी बड़ी भट्टी तीन 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 कढ़ा है लगभग, तीन कढ़ाई है, तो तीन कढ़ा है ये आपका बता रहे भैया ऑटोमेटिक ये ले जाके वहाँ पे आपका पका देता है। तो चलते हैं देर ना करते हुए वहाँ से दिखाओ ये आप, मतलब जब वहाँ से आपका रस आ रहा है तो फिर फर्स्ट स्टेप में कैसे पकाते हैं उसको? इसमें गर्म होता है, इसमें केवल गर्म रखते हैं, इसमें सेकंड कढ़ाई में भुंडी एक आती है, मतलब इसे बोलते हैं बनभिंडी, इसे डांट को पीटा जाता है, उसे रस निकलता है, उसी रस को डालते हैं और वो कचड़ा जो है बाहर आ जाता है सब। मतलब फिल्टर करने के लिए आप इसका देसी चीज का मतलब हाँ, कोई केमिकल आप कोई केमिकल नहीं, देसी कहने का मतलब है खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, किस कोई भी खा सकता है। हाँ, कोई भी खा सकता ऐसा नहीं है कि इसमें आप मतलब केमिकल वगैरह, जैसे केमिकल है तो नुकसान भी करता है, केमिकल नहीं होती है। आप बता रहे भिंडी यानी कि मतलब ये खाने वाली भिंडी का, और नहीं खाने वाली भिंडी नहीं होती है, मतलब दूसरी वैरायटी होती है उसी की भिंडी की। तो इसको क्या आप लोग मतलब खरीद कर आते हैं कि बोया गया पीछे खेत में है, बोया गया बुआई करके मतलब ये इसका रस इसमें डालते हैं? हाँ, उसका रस पड़ता है, उसका रस डालने से ये फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, सब कचरा बाहर आ जाएगा। तो वहाँ से भैया अभी देखो मही वगैरह जो भी है इसमें आप डाले हैं, उसके बाद ये आपका निकल रहा है ये आपका, और वेस्टेज उसमें भर के रखे है। इसके बाद आपका वो वाला फर्स्ट वहाँ पे जाएगा, वहाँ पकने के लिए चला जाता है, वहाँ से राफ का स्टेप दिखाओ। वहाँ पे जब पकेगा, जब जैसे चाशनी आ जाता है तब तो उसके फेंट के उस चक्रे पे डाला जाएगा। हाँ, कहने का मतलब जो भेली बनने योग्य, हाँ, जब जब भेली बनने योग्य हो जाएगी तो वहाँ पे निकाल देंगे कारीगर, उसके बाद वहाँ पे जो पलटे से देख रहे हैं उस पलटे से उसको मारा जाएगा। हाँ हाँ, आओ अंदर दिखाते हैं भैया का लाजवाब तरीका। अभी यहाँ पे जब आएगा चाशनी पलटे से मथा जाएगा भैया, ये भैया का देखो ये लगभग ठंडा हो गया है ना, ये लगभग कुछ देर हो गया, इसे तैयार हो गया बांधने के लिए। तो वहाँ से जब निकालते हैं इसको मतलब फिटाई वगैरह होता है? फिटाई करने के बाद ऐसा होता है, इसके बाद यहाँ पे उतार के बोरे पे ले जाके लड्डू बांध देते हैं। जी जी, मतलब आप जैसे, अच्छा ये बताइए आप किसी को, जैसे व्यापारी है या किसी को भी जरूरत है भेली की या गुड़ की, जो भी आप समझे राब की, तो आपसे मिल जाएगा ना? हाँ, वो हमारे पास गुड़, भेली, राब, सिरका सब चीज तैयार है, सब चीज मतलब मिल जाएगा। और भी आपका देसी है? देसी है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, पूरा एकदम नेचुरल होता है। जी जी, भैया ये है आपका देसी भेली और देसी गुड़, जो भी भाषा आप समझते होंगे, तो भैया के पास एकदम प्योर चीज है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम आप देख सकते हैं जो भी है। अभी इनका ये देखो प्रोग्रेस पूरा चल रहा है, वहाँ से निकाल के उसके बाद यहाँ आ रहा है, फिर आपका ये भेली तैयार हो जाता है। भेली का ऑर्डर पे भी बनाते हैं? हाँ, ऑर्डर पे बनाते हैं। साइज मतलब जैसे कोई कोई बड़ा भी है, छोटा भी है, जो साइज है लगभग एक किलो में 9 से 10 भेली चढ़ेगी, ये मतलब 25-25 भेली चढ़ेगी, ऐसे सब इसमें मटेरियल मिलाया गया, जैसे तिल्ली सौंठ सब मिलाया गया, जो लोग दे देते हैं उसको मिलाया जाता नहीं। तो कहने का मतलब जो अपने लिए खाने योग्य या जैसा भी जिसको तैयार कराना होता है बनवाना चाहते हैं उसे बना तो बना सकते हैं। हाँ, जैसे ऑर्डर। तो अपना मोबाइल नंबर आप पहले बता दिए, चूंकि हमारा मोबाइल नंबर 9455129760, ये भैया का नंबर है, आप दोबारा एक बार रिपीट कर दीजिए। हमारा नंबर है 9455129760, हमारे पास गुड़, सिरका, भेली अच्छी क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का अवेलेबल है। आपको ताजा गन्ने का जूस भी चाहिए तो आपके पास ताजा गन्ने का जूस भी मिल जाएगा, तत्काल पेर के मिल जाएगा, यहाँ से उचित रेट मिल जाएगा। लगभग अभी लगभग आपका रेट भी बता दीजिए थोड़ा सा, क्या होगा? 45 रुपए के आसपास गुड़, और लगभग 40 रुपए में राब, और सिरका लगभग 25 रुपए लीटर है। जी जी, तो ये भैया का रेट है। आप जो भी आएगा, अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई आ रहा है तो कोई छूट वगैरह? हाँ, उसको छूट दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। भैया का कहना है कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, अगर आप आ रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं हमारे, देखते हैं हमारा अगर यूट्यूब चैनल, तो भैया को दिखाइए आप, भैया जो है आपको उचित रेट कुछ ना कुछ जो भी होगा देंगे। ठीक है भैया? जी भैया, ठीक है, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, इसी के साथ भैया लेते हैं, जय जवान जय किसान।